ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और क्लास ट्वेल्थ की सीरियली तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपका जो है क्लास ट्वेल्थ की सीरियली और संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आप पार्ट एक से लेकर के हमारे द्वारा बनाए गए अभी तक के सभी पार्ट को देखे। आप सीरियली वीडियो का लिस्ट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, टच करके आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आज की इस वीडियो में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन। अब देखिए संयोजन होता है क्या, जैसे एक से अधिक लोग हैं फलन, उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, वही संयोजन होता है जी। जैसे मान के चलो कि एकदम जोर नहीं होता, जैसे एकदम समूहन पढ़ाता ना, एकदम प्रतिरोधों का समूहन, अब जो क्लास ट्वेल्थ में आया है, एक फलन लेते हैं, उनको मिला करके एक नया फलन बनाते हैं, तो यही उसका क्या होता है, संयोजन होता है। तो देखो ये जो फलनों का संयोजन होता है उसको हम जैसे गोप के द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा हम करते हैं, जैसे दो फंक्शन लेते हैं एफ और जी, समझ गया ना, उनको संयोजित करते हैं, कंपोजिट करते हैं, उनको हम किसके द्वारा सूचित करते हैं, गोप के द्वारा। तो वही है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हिंदी होता है फलनों का संयोजन, क्या होता है, फलनों का संयोजन। तो देखिए इफ एफ फंक्शन ए टू बी, एफ फंक्शन ए टू बी, इसका अर्थ हो गया, इनको और बढ़िया से पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एफ ये होता है सब्जेक्ट, एफ सब्जेक्ट ए टू बी, समझ गया ना। तो इफ एफ सब्जेक्ट ए टू बी एंड जी सब्जेक्ट बी टू सी, तो यहाँ पर एफ और जी क्या है, दो फलन है, एफ और जी क्या है, दो फलन है, यानी एफ जो हो ए से बी में फलन हो और जी किससे हो, बी से सी में, बी एनी टू फंक्शन, समझ गया ना। उसके बाद देखिए देन तब कंपोजिट फंक्शन, तो अब देखिए एफ और जी का कंपोजिट मतलब संयोजित ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय गो, तो समझ गया ना, ये जो फलनों का संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है, एफ और जी का संयोजन तब क्या कहलाता है, गो, किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, गो के द्वारा। और देखिए एंड इट इज द फंक्शन गोप ए टू सी, तब जो गोप होता है ए से सी में फलन होता है, गोप क्या होता है, ए से सी में फलन होता है, डिफाइंड बाय जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है, देखिए गोप एक्स लेते हैं ना, तो गोप एक्स बराबर क्या होता है, जी एफ एक्स, तो ये जो ओ होता है ये क्या होता है, छट गया, देखो छट गया कि नहीं छट गया, यहाँ पर जो हम क्या किए हैं, ये कोस्ट लिए स्मॉल ब्रैकेट, तो देखिए ओ छट गया कि नहीं छट गया, तो गोप एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स, तो ये इस प्रकार से डिफाइंड होता है, यानी गोप एक्स क्या लिखा जाता है, जी एफ एक्स, अगर यहाँ पर हम वन लेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एफ वन, समझ गया ना, क्या लेंगे, जी एफ वन। तो इसको देख चुका है तो किस प्रकार से डिफाइंड होता है, गोप एक्स बराबर क्या होता है, जी एफ एक्स, अगर यहाँ पर हम वाई लेंगे तो क्या होगा, जी एफ एक्स क्या होगा, जी एफ वाई, अगर हम जेड लेंगे तो क्या होगा, जी एफ जेड, जेड ले रहे हैं तो जेड, एक्स है तो क्या है, एक्स है ना, वाई रहेगा तो क्या होगा, वाई, जो चीज लेंगे वही चीज होगा, समझ गया ना, टी लेगा तो क्या होगा, टी होगा, ए लेगा तो क्या होगा, ए होगा, टेन लेगा तो क्या होगा, यहाँ टेन होगा। तो देखो यहाँ पर है ना एफ ए सी बी में क्या है, फलन है, तो देखो एफ ए सी बी में क्या है, फलन है ना, जी सर, तो इसमें क्या एलिमेंट है, एक्स, बी में एलिमेंट क्या है, वाई, और सी में क्या एलिमेंट लिए हैं, जेड। तो अब देखो एफ ए सी बी में क्या है, फलन है, और जी जो है किस में फलन है, बी ए सी में फलन है। तो देखो एफ के लिए ये जो ए हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन, ये डोमेन, सेट ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन, सेट बी को हम क्या कहेंगे, किसका कोडोमेन कहेंगे, एफ का, किसका कोडोमेन कहेंगे, जी का डोमेन, ये जो है एफ का क्या कहलाएगा, डोमेन, डोमेन नहीं कहलाएगा। अब देखो जी का डोमेन कौन होगा, बी, जैसे एफ का डोमेन ए होता है पहले वाला, उसी प्रकार से जी का डोमेन क्या होगा, बी होगा, बी ना होगा, जी सर, जी का कोडोमेन क्या होगा, जी, होगा ना, जी सर। अब देखो गोप जो इसमें डिफाइंड होगा
या एस एस सी में होता है, किसमें डिफाइंड होता SSC है SSC में होता। जो बीच वाला कॉमन पार्ट है, देखिए ऐप का कोडोमेन है, जी का डोमेन, तो ये बी क्या हो गया, कॉमन न हो गया, दोनों का न होता है, तो इसलिए ये छट जाता है। कॉमन पार्ट को हम क्या करते हैं, यानी एस एस सी में डायरेक्टली जो फलन हो गया इसको हम किसके द्वारा सूचित करते हैं, ग्रुप के द्वारा, समझ गया ना, किसके द्वारा सूचित करते हैं, ग्रुप के द्वारा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं जी ओ एफ गोप, जी ओ एफ गोप। अब देखिए तो जी और एफ मिल गया कि नहीं मिल गया, yes. मिल गया जी, yes, जी और एफ ओ के द्वारा मिल गया कि नहीं मिल गया, इसी को ना कंपोजिशन कहते हैं। मतलब भिन्न वस्तुओं, भिन्न सामग्री को एकदम मिला दो विभिन्न मात्रा में, मान के चलो एक नई सामग्री बनानी है, 5 kg क्या लिए, मैदा लिए, और 5 kg मसाला लेकर उसमें मिला देगा, समझ गया ना, मिला के एक तीसरा पदार्थ बनाएगा, समझ गया ना। तो मान के चलो कि सब की मात्रा नहीं हो जाए, हो जाएगा मैदा की मात्रा होगा उसमें, फिर क्या होगा, मसाला की मात्रा होगा ना जी। कोई चीज एकदम बढ़िया चीज खाते हो, सिंघारे एकदम खाते हो ना सिंघारा, तो क्या होता है उसमें सिर्फ आलुएट हो रहता है, सबकी मात्रा न होती है जी, सब्जी बनाते हो ना सब्जी, उसमें क्या करेगा तुम, सबकी मात्रा में देना होगा कंपोजिशन। ये क्या करेगा कि मान के चलो कि एकदम सब्जी थोड़ा सा बनाए, उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो, स्वाद बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ना जी, टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो सबकी हम क्या लेते हैं, मात्रा लेते हैं, समझ गया ना, तो वही होता है। मात्रा एकदम ले ली तो उनको हम क्या करते, मिला देते हैं, एकदम मिला देगा, एकदम घुला देगा। तो उसी प्रकार से है कि एफ और जी दो फलन है, इनको हम क्या किए हैं, मिला दिए हैं, वही ना उसका कंपोजिशन होगा, समझ गया ना। तो सबकी एक मात्रा होती है कि नहीं होती है, होती है सर जी, उसके अंदर वाला समझ गया, सब समझेगा, समझेगा ही। देखो जैसे मान के चलिए कि इसमें एक्स वाई और जेड एलिमेंट लिए ना, ले लिए, तो आप बोलो ये देखो कैसे किए हैं, y बराबर हम क्या ले लेते हैं, ये जो y का मान प्राप्त होता है वो एफ एक्स से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जैसे मान के चलो कि हम एफ एक्स बराबर क्या लेते हैं, एक्स है ना जी, तो यहाँ पर 1 लेगा, क्या लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो किससे प्राप्त हुआ, देखो इस 1 से प्राप्त हुआ ना ये 1, उसी प्रकार से जो यहाँ का वाई का मान प्राप्त होगा, ये जो वाई का मान प्राप्त होगा, ये फंक्शन आपको किस प्रकार से रहेगा, एफ एक्स के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, यानी एफ और यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा, समझ गया ना, उसको यहाँ इस बीच में जिस प्रकार से डिफाइंड हो रख के मान निकालेगा तब ये y प्राप्त होता है। उसी प्रकार से देखो जैसे ये एफ एक्स से मिला ना, तो जी किससे मिलेगा, जी वाई से, जी वाई से नहीं मिलेगा, जी वाई से, देखो तो क्या लिखे हैं, जी वाई लिखे हैं ना, ये जो वाई है, देखिए वाई का मान क्या है, ये वाई बराबर क्या है, यहाँ पर जो हम वाई लिए हैं तो वाई के जगह हम क्या रखेंगे, एफ एक्स, कौन नहीं समझा, बोलो कौन नहीं समझा, देखो एक्स वाई जेड हो गया, समझ गया ना, ये एफ एक्स हो गया और इधर क्या होगा, जी वाई होगा, और वाई का मान क्या है, एफ एक्स है ना। तो इस प्रकार से क्या देखते हो कि कोडोमेन ऐप, ऐप का जो है कोडोमेन, ऐप का कोडोमेन, तो ऐप का कोडोमेन क्या हो गया, बी, ऐप का कोडोमेन क्या हो गया, बी, वह जी का क्या है, डोमेन, जी का क्या है, डोमेन, तो गोप तभी परिभाषित होगा, समझ गया ना, जब ऐप का कोडोमेन और जी का डोमेन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद देखो अब जो देखो ऐप का रेंज होता है, ऐप का रेंज, तो रेंज किस में आएगा, बी में आएगा, ऐप का रेंज किस में आएगा, बी में आएगा, तो ऐप का जो रेंज होता है वो डोमेन जी का क्या होता है, सबसेट होता है, डोमेन जी का क्या होता है, सबसेट क्यों होता है, क्योंकि देखो ऐप का जो रेंज है वो डोमेन जी में समा रहा है कि नहीं समा रहा है, जी में समा रहा है ना जी, उसी के अंदर में है, तो सबसेट वही ना हुआ जो अपने अंदर में समा लेता है। तो अब सर जी का रेंज क्या होगा, किसका, जी का रेंज, जी का रेंज ये आपको जेड होगा, ये सी में होगा, जी का रेंज किस में होगा, सी में, रेंज मतलब कोडोमेन में होता है उस फंक्शन के, समझ गया ना। अब देखिए डोमेन गोप, डोमेन गोप, गोप का डोमेन क्या होगा, देखो गोप का डोमेन क्या होगा, डोमेन ना, गोप का डोमेन ए होगा,
अब देखिए गोप जो डिफाइंड है किससे, ये तो सिम्न है, गोप का डोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, पहले डोमेन होता है बाद में क्या होता है कोडोमेन होता है, तो गोप का डोमेन क्या हो गया ये होगा, ये जो है किसका डोमेन है आपका, तो गोप का डोमेन आपको क्या हो गया, गोप का डोमेन और ऐप का डोमेन आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद देखो ये जो सी है किसका कोडोमेन है, गोप का, गोप का है और जी का, जी का, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर बराबर होगा ना। इसको समझने में किसको दिक्कत है बोलो तो, किसको दिक्कत है भी आप देखो जी क्या है, पहले क्या है एफ है ना जी, पहले क्या है एफ है और बाद में क्या है जी है, तो हम कैसे नाम लिखे हैं जी एफ गोप जी सर है? अगर मान के चलो एक जगह है पंच का जी रहता है, इधर हम क्या करेंगे जी दे देंगे, इधर हम क्या दे देंगे एफ, इसको हम क्या लिखेंगे फोक, तो समझ गया गोप और फोक। अगर मान के चलो कि हे यहाँ पर हम दे देंगे एच, एच दे दिए और यहाँ पर हम दे दिए हॉग, क्या होगा गो होगा, क्या होगा गो होगा ना होगा, आप समझ गया ना, इसमें रहेगा फोप भी रहेगा, क्या रहेगा फोप, एफ ओ एफ फोप, क्या रहता है फोप, इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ भी एफ होगा और यहाँ भी क्या होगा एफ होगा, तब ना फोप होगा जी, क्योंकि ऐसे उठाते हैं ना एफ ओ एफ फोप लेते हैं ना, उठाएंगे तो वही होगा, लेकिन नियम क्या है इधर से ना उठाने का है जी। अगर मान के चलो यहाँ पर हम एच दे दे, क्या दे दे तो क्या होगा होप नहीं होगा, एच ओ एफ होप इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रतिलोम, फलन का फलन का प्रतिलोम, समझ गया ना। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन फलन का प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम, अब देखो प्रतिलोम से तो जानते ही हो, उल्टा जानते हो, उल्टा हो गया ना जी। अगर मान के चलो ये दो है, इसका उल्टा क्या होगा, एक बटे दो नहीं होगा, दो एक बटे दो होगा इसका उल्टा, समझ गया ना। तो यही चीज है फलन का प्रतिलोम, तो फलन का प्रतिलोम है, तो देखो इनका डेफिनेशन है कि लेट एफ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इससे तो क्लियर हो गया है कि फलन का अगर प्रतिलोम आपको ज्ञात तभी होगा जब वो क्या हो बाइजेक्टिव, अब बाइजेक्टिव डेट मीन्स क्या हो गया वन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं वो फंक्शन, और वन टू वन वन हो और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो वही चीज है कि लेट एफ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन ए टू बी, ए टू बी, समझ गया ना। तो एफ जो ए से बी में क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी आपको एक एक की अच्छा दर फलन है, देन देन का हिंदी क्या होता है तब, फंक्शन जी तब फलन जी, तब फलन जी फ्रॉम बी टू ए, बी से ए, समझ गया ना, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ, तब जो जी है आपको बी से ए में एफ का क्या कहलाता है प्रतिलोम फलन कहलाता है, क्या कहलाता है समझ गया ना, मतलब एफ जो है ए से बी में फलन है, एफ ए से बी में क्या है फलन है, और जी किस में फलन है बी से ए में, तो जी जो है एफ का क्या कहलाता है इनवर्स फंक्शन, क्या कहलाता है इनवर्स फंक्शन, समझ गया ना। और एकदम सिंपल रूप से एकदम डेफिनेशन को एस डेफिनेशन लिखना चाहेगा, सम्राट डेफिनेशन, तो क्या एकदम लिखेगा ये दिमाग में ही घुसेगा डेफिनेशन, एफ ए से बी में क्या हो, एफ ए से बी में ना बाइजेक्टिव फंक्शन हो,
समझ गया ना, वो तो बायजेक्टिव तो संपूर्ण परिभाषा हो गया, लेकिन सिंपल रूप से कैसे याद रखेगा, एफ ए सी बी में क्या हो, फलन हो, एफ ए सी बी में फलन हो, तो बी से ए में फलन प्रतिलोम फलन कहलाता है, समझ गया ना, समझ गया, एफ ए सी बी में क्या हो, फलन हो, सिंपल एक लाइन में याद रखने के लिए, एफ ए सी बी में क्या हो, फलन हो, तो बी से ए में फलन क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है, बी से ए में फलन क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन, ए से बी में हुआ ना जी, बी से ए हम बोलेंगे तो पलट गया कि नहीं पलट गया, इसी को नाम प्रतिलोम, तो बी से ए में जो फलन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन, और इसको हम किसे सूचित करते हैं, एफ पावर माइनस वन, ये ना उनका इनवर्स हुआ जी, एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ पावर माइनस वन, इनवर्स फाइंड करने के तरीके, लिखो इनवर्स फाइंड करने के तरीके, फाइंड करने के तरीके तो देखिए तरीका फर्स्ट लिखिए, यानी रोमन का ये देख लिखिए और लिखिए भाषाई चीज, दिए गए फलन को एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बने, दिए गए फलन को वाई बराबर एफ एक्स बने, दिए गए फलन को वाई बराबर एफ एक्स बने, वाई बराबर ये से एफ एक्स बने, स्टेप टू में लिखिए, तो देखिए स्टेप टू में हम क्या किए, जैसे ई एफ है ना जी, ये इनवर्स में है क्या सर, ये एफ इनवर्स में है अभी नहीं है, अब बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इधर आ गया तो एक्स छूट न गया जी, एफ तो इधर ना आ गया है, देखिए देख बराबर की साइड में अगर जोर में है तो घटो में होता है, जोर में रहे तो क्या होता है, घटो में होता है, घटो में होता है तो जोर में होता है, गुना में होता है भाग में, भाग में है तो इनवर्स में नहीं है तो किस में होगा, होगा ना उसी प्रकार से, तो देखो एफ जो इधर आया तो पलट के क्या हो गया, इनवर्स में हो गया, तो रिलीज क्या हुआ, एक्स ने रिलीज हुआ जी, या एक्स बराबर हम एफ इनवर्स वाई नहीं लिख सकते है, ये हो चुका है, तीसरा लिखो परिभाषा, परिभाषा नहीं लिखना, ये एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिख दो, एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, ये इनको लिख चुके हैं, तो सही समझे नहीं किसको, अच्छा समझो क्या ना, समझबे करबो तू सुत रह बैंक को, इस पर देखिए इधर है ना जी, इसने है तो इस पर इनवर्स है अभी नहीं, अब बराबर किस साइड ले जाएगा तो एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है ना जी, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, वही है इनवर्स है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर इनवर्स नहीं है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो वही चीज हुआ है, अब समझो इनवर्स रहता तो सर इधर रहता तो इनवर्स हट जाता, हाँ अगर इनवर्स रहेगा इधर आएगा तीन वर्ष क्या होगा, हट जाएगा, इनवर्स नहीं है तीन वर्ष चढ़ जाएगा, तो एफ देखो इन्हें आब गए तो देखो ई वाई है ना वाई भले हो, ई एफ इनवर्स नहीं भले, एते से एफ भाग गए तो की बचले, और दिक्कत है, या एक्स बराबर हम एफ इनवर्स वाई नहीं लिख सके छे, किए नहीं समझ लो बोलो, तो समझ गए सर जी, समझ चुके हैं ना, चलिए ये चीज तो हो गया आपका, नंबर तीन आप देखिए एक्स का मान, एक्स का मान फाइंड करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या करना है, मान फाइंड करना है, फाइंड का मतलब क्या निकालना सर, प्राप्त चुनना, फाइंड मतलब प्राप्त करना निकालना, समझ गेलो, एक मीनिंग नहि छै, आ मैं इंग्लिश थोड़बे छै एक गो राखू, मैथमेटिक्स मे की कहै छै अलग मीनिंग होइ छै, समझ गेलो ने, आ मैथमेटिक्स मे भी एकदम यहाँ पर सेमे मीनिंग भए रहल छै,
और दिक्कत है इसमें? नहीं। टी आई ए बी एल ई इनवर्स सीएपुर। तो देखो मतलब कोई फंक्शन क्या होता है, इनवर्सिएबल होता है यदि वो वन वन हो और क्या हो, समझ गया ना, ये वन वन हो गया कोई फलन और आपको क्या हो गया वन टू, ये दोनों फलन हो गया, दोनों फंक्शन हो गया, तो वो फंक्शन क्या है इनवर्सिएबल है, उसका इनवर्स निकाल सकते हो। क्या चीज? कोई भी फलन इनवर्सिएबल होगा यानी व्युत्क्रमणीय होगा यदि वो वन वन और वन टू होगा, वन टू है। आप देखो किसी भी फलन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी फलन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम आपको बताएंगे काफी इजी तरीके से, और इनको अगर समझ लिया तो समझ जाओ कि एक मार्क आपका फिक्स हो गया, किसी भी ईयर का जो है इनवर्स निकाल सकता है, बना सकता है, क्वेश्चन बैंक ले ना, किसी भी इनवर्स एकदम बैठ जाना, किसी भी ईयर का जो है तुम इनवर्स फाइंड कर देगा, क्या होगा इसको ध्यान पूर्वक देखो। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर, समझ गया ना। अब इसका जो है कि एफ इनवर्स एक्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स एक्स बराबर वाट। तो इनको निकालने के लिए क्या करेगा, आपको हम दिखा रहे हैं निकालने के लिए, आप क्या कीजिए कि एफ एक्स को वाई मान लीजिए, एफ एक्स को क्या मान लीजिए, तो वाई बराबर क्या मानेंगे, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, यहाँ पर वाई रहेगा ही और एफ एक्स का मान क्या है थ्री एक्स प्लस फोर है ना। अब देखिए फोर को इधर लाइए, वाई माइनस फोर, अब वाई क्या होगा थ्री एक्स होगा ना, या वाई माइनस फोर बाय थ्री बराबर क्या हो गया एक्स हो गया ना। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ को इधर पलटेंगे तो क्या होगा, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, एफ इनवर्स वाई बराबर होगा ना, वाई पलट के इधर इनवर्स में आ गया एक्स हो गया। तो अब देखिए वाई माइनस फोर जो लिखते हैं वाई बराबर तो वन टू का डिफिनेशन से ना था, हाँ ये वन टू डेफिनेशन से आता है, वैसे अगर इनवर्स निकालेंगे तो वही लिखेंगे ना, हाँ वही यही चीज लिखना है, समझ गया ना, मतलब इनवर्स निकालेगा ना यही चीज लिखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका जो है एक्स का मान क्या है, एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एफ इनवर्स वाई लिखेंगे ना। अब देखिए एफ इनवर्स और वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जेड रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि एक्स फाइंड करना है, एक्स ना फाइंड करना है, तो क्या रखोगे एक्स, एक्स माइनस फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री, ये तो हम सोल्व करके निकाले, अब ये दो नंबर आएगा तो ऐसे करेगा, समझ गया ना, तब वन वन और वन टू भी सिद्ध करेगा, इनवर्स भी निकालेगा। अगर मान के चलो कि एक नंबर में आ जाएगा तो इतना समय तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट के लिए ट्रिक किया है, कैसे निकालेगा उसको बटे में थ्री एक्स को बटे में माइनस कर दे, देखो ऐसे वाई बराबर क्या है थ्री एक्स प्लस फोर मान लो, मान लिए ना, ऐसे एफ इनवर्स एक्स लिख दो, क्या लिखो एफ इनवर्स, तो देखो यहाँ पर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे एक्स लिख लेना, क्या करना प्लस के जगह माइनस, अगर ये प्लस है प्लस में है तो यहाँ पर क्या कर देना माइनस, माइनस में रहेगा तो क्या कर देगा प्लस, एक्स में गुना क्या है टी, निकल गया इनवर्स, जिस ऑप्शन में रहेगा उसको रंग देना, समझ गया ना, ये तो ये हो गया, हाँ ये भिविया है। अगला देखो ये भी आपको भिविया है, आपको रहेगा फाइव एक्स माइनस फोर, फाइव एक्स माइनस फोर, बोलो एक ट्रिक के माध्यम से एक बार में कैसे निकालेगा, ऐसे एक्स लिख दिया एक्स प्लस फोर, ये माइनस फोर है तो क्या लिखेगा एक्स में जो गुना उसको बटा, समझ गया जी सर। और तीसरा एकदम बताओ तो एग्जांपल का आंसर, जैसे वाई बराबर हम लेते हैं
टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री एक्स बराबर। तो पहले क्या करोगे, एक्स लिख दिया प्लस तीन है तो क्या लिखोगे, इनको समझा कि नहीं समझा। अगर जिसने इसको समझ लिया है, समझ गया ना, ये जो एग्जांपल दिए काफी है, एक मार्क आपका फिक्स है ऑब्जेक्टिव से। आएगा आपके बार क्वेश्चन में या जाना क्वेश्चन बैंक होगा, उल्टा ना इनवर्स तुम देखना खटाक से निकाल देगा जी सर।